दोस्तों आज साउथ एक्टर धनुष का जन्मदिन है, जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। धनुष तमिल सिनेमा के गेम चेंजिंग एक्टर रहे हैं, अपने कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने हीरो की डेफिनेशन ही बदल दी है। एक तरफ धनुष मैसे फिल्म करते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल न्यू एक्सपेरिमेंटल और न्यू कॉन्सेप्ट के फिल्म करते नजर आते हैं। धनुष एक फिल्म में फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां उनके पिता कस्तूरी राजा तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े निर्देशक हैं। अपने करियर की शुरुआत धनुष ने अपने पिता की फिल्म से की थी और इसके अलावा उनके भाई भी सफल निर्माता हैं, जिन्होंने धनुष के साथ कई फिल्में की हैं। काफी कम लोग जानते हैं कि धनुष का रियल नाम वेंकटेश कस्तूरी राजा है। फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी उनका नाम दो स्टार्स शेयर करते हैं, इसलिए धनुष अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि कमल हसन की फिल्म कृति पुनाल देख के उन्होंने अपना नाम धनुष रखा और खबरों की माने तो धनुष 12वीं क्लास में फेल हो गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और इसके बाद भी CA कम्प्लीट किया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो धनुष ही बता सकते हैं। 2007 में रिलीज हुआ गाना कॉलेबेरी डी आप सबको तो याद ही होगा, जहां इसे पूरे इंडिया में काफी पसंद किया गया था। ये गाना खुद धनुष ने ना सिर्फ गाया था बल्कि इसे लिखा भी था। कॉलेबेरी डी इंडिया की फर्स्ट म्यूजिक वीडियो थी, जिस पर 100+ मिलियन व्यूज मिले थे। ये गाना उस दिन पूरे वर्ल्ड में वायरल हुआ था। साउथ के अलावा धनुष ने बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में काम किया है, जैसे रांझना, शमिता और अतरंगी रे में उनकी एक्टिंग लोगों के जेहन में तो छा गई थी। एक्टर की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनकी शादी रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से हुई थी और लंबे समय तक शादी चलने के बाद अभी हाल ही में उनका तलाक हुआ था, लेकिन इन सब का असर एक्टर ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ने नहीं दिया और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई हॉलीवुड मूवी द ग्रे मैन में उन्हें देखा गया। MDTV एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से धनुष को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।